नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज़ में। बजरंग पूनिया ने ईरानी पहलवान को 5 मिनट में किया चित। देखेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर में, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। टोक्यो ओलंपिक की रेसलिंग मैट पर भारत के सबसे दबंग पहलवान बजरंग पूनिया ने सुल्तान बनने की ओर 2 कदम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने पुरुष के 65 किलोग्राम कैटेगरी में फ्री स्टाइल की कुश्ती के क्वार्टर फाइनल में ईरान के पहलवान को 5 मिनट में जीत कर दिया। बजरंग ने यह मुकाबला ईरानी पहलवान को मैट पर गिराकर जीता। दोस्तों आपको बता दें, इसी के साथ वो इस इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें, बजरंग के बेहतरीन मूव के आधार पर जीत मिली है, क्योंकि मुकाबला 3-3 की बराबरी पर ख़त्म हुआ था। बजरंग पुनिया की स्टार्ट अच्छी नहीं हुई थी, बजरंग पुनिया 0-1 से पीछे चल रहे थे। पर दोस्तों जिस तरीके से बजरंग पुनिया ने वापसी करी और अपने शानदार मूव से अपने पॉइंट इकट्ठे किए और बाद में जाकर मैच 3-3 की बराबरी पर ख़त्म हुआ। पर दोस्तों बजरंग पुनिया के मूवों के आधार पर उन्हें विजेता घोषित किया गया और बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। दोस्तों आप हमारे वीडियो में कुछ खास फुटेजेस देख सकते हैं, जिसके अंदर बजरंग पुनिया अपने मूव दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही अपडेट, अपनी राय और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।